वेलकम एवरीबॉडी, रीजनिंग के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। साथ ही समर्पित हैं मेरे चंद शब्द उन सभी युवाओं के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एक निश्चित लक्ष्य है। उन सभी की सफलता के लिए समर्पित है मेरे चंद शब्द। लहरों से लड़ो, तूफान से खेलो, उठो आसमां से ऊंचाइयां छू लो। विद्वानों के अनुसार शिक्षा तभी पूर्ण है जब इसे तार्किक ज्ञान के साथ व्यवहारिकता से जोड़ा जाए। यह तार्किक ज्ञान ही हमें त्वरित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए आवश्यक है कि हमारी तार्किक ज्ञान की क्षमता दिन प्रतिदिन निखरनी चाहिए। यदि तार्किक ज्ञान हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, तो इस पर अभ्यास करके अगर कंपटीशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें तो यह और भी उपयोगी हो जाता है। तार्किक ज्ञान है क्या, रीजनिंग है क्या, प्रायः यह एक प्रश्न उठता है। रीजनिंग मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश की तरह ही कंपटीशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको भी हमें उतनी वरीयता देनी चाहिए जितनी कि हम मैथमेटिक्स की तैयारी में, जनरल नॉलेज की तैयारी में, इंग्लिश की तैयारी में जितना समय देते हैं और जितना प्रयास करते हैं। रीजनिंग कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? जिस तरह गणित, मैथमेटिक्स हमें सहायता करती है अधिक से अधिक नंबर स्कोर करने के लिए, उसी तरह रीजनिंग भी जो है अधिक से अधिक नंबर स्कोर करने का अवसर प्रदान करती है, और थोड़े से ही प्रयास से रीजनिंग में हम अच्छे नंबर पा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में जो बच्चा बहुत अच्छा है वही रीजनिंग में 90% से 100% लाएगा। रीजनिंग में, मैथ में 50 से 60% लाने वाले लोग भी 90 से 100% का स्कोर करते हैं। रीजनिंग की खासियत यह है कि इसमें हमें लंबी चौड़ी नियम, सिद्धांत, व्याख्या याद नहीं करनी होती है। कुछ टॉपिक हैं गिने चुने जिनका अध्ययन करके ही हम रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, रीजनिंग की तैयारी हम कैसे करें? रीजनिंग की तैयारी सरल ढंग से, इजी वे क्या हो सकता है? प्रारंभिक स्तर पर रीजनिंग को लेकर किसी भी तरह से घबराने या आशंकित होने की संभावना नहीं है। आवश्यकता होती है कि हम हर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें। जितना ही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, उतने ही अच्छे से हम उस अध्याय पे अपनी पकड़ बना सकेंगे। और निरंतर अभ्यास होना चाहिए, ठीक एक कुशल क्रिकेट खिलाड़ी की तरह जो अपनी बैटिंग या बॉलिंग को निरंतर अभ्यास करके निखारता है, अधिक से अधिक मैच खेलता है और फिर मैच में जीतता है, सफल होता है। ठीक वैसे ही रीजनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, हर टॉपिक पे अपनी कमांड होनी चाहिए और अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करें हम। अगर यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है और प्रीवियस क्वेश्चन पे हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। रीजनिंग के बेस्ट फीचर के बारे में अगर बात करें तो रीजनिंग में कहीं भी, तार्किक ज्ञान में कहीं पर भी हमें उत्तर को लेके संशय की स्थिति नहीं रहती है, क्योंकि इसके अधिकांश पार्ट में गणितीय आकलन शामिल है। जहाँ पे 2 × 2 = 4 ही होता है, 5 नहीं होगा कभी भी, विकल्प में जो हम उत्तर चुनेंगे वो सही उत्तर ही होगा। तो इसलिए रीजनिंग को हमें इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और साथ ही साथ इसे अपने अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर करने का साधन बनाना चाहिए। रीजनिंग हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। जैसे अल्फाबेट ए से जेड तक के अक्षरों का हम दैनिक जीवन में नियमित कहीं ना कहीं पर प्रयोग करते हैं। यदि इन अक्षरों का क्रम हमें मालूम है कि एल के बाद एम आएगा, एन के बाद ओ आएगा और ओ के बाद पी आएगा, तो इस अभ्यास से हम रीजनिंग में पूछे जाने वाले डिक्शनरी
डायरेक्टरी संबंधी प्रश्न को सरलता से हल कर सकते हैं। यदि अल्फाबेट का अंग्रेजी वर्णमाला में एक बी सी से लेके एक्स वाई जेड की ओरिजिनल पोजीशन मूल स्थिति, जेड से लेके ए तक की रिवर्स पोजीशन विपरीत स्थित, ए का अपोजिट लेटर जेड होगा, बी का अपोजिट लेटर वाई होगा, सी का अपोजिट लेटर एक्स होगा, पेयर यानी लेटर्स पेयर का अगर हमें हमारे टिप्स पे है तो इसके आधार पे हम अक्षरों की श्रृंखला, अक्षरों पे आधारित असंगत पद, विलुप्त पद जैसे प्रश्नों को सरलता से हल कर सकते हैं। अक्षरों की अगर सही स्थित मालूम है ए टू जेड तीनों ही स्थित में, तो हम इसे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को भी सरलता से हल कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन सेंस। इसमें कोई व्यक्ति पूरब की दिशा में जा रहा है, वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह कुछ किलोमीटर चल के बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, उसके चलने की विपरीत दिशा क्या है, उसकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के सापेक्ष दिशा क्या है, या अंतिम बिंदु की प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष दिशा क्या है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, या वह कितनी दूरी का सफर तय कर चुका है, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्नों से हम व्यवहारिक जीवन में निरंतर सामना करते हैं और ऐसे प्रश्नों को हल करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है। इसी प्रकार से पद अनुक्रम, रैंकिंग, रैंकिंग के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मेरिट लिस्ट में ऊपर से स्थित यह है, नीचे से स्थित ऐसी है, तो उस लिस्ट में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यदि किसी पंक्ति में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, एक विशेष विद्यार्थी अपना स्थान किसी अन्य विद्यार्थी से बदल लेता है और दूसरा अन्य विद्यार्थी उस विशेष विद्यार्थी के स्थान पर बैठ जाता है, तो उनकी नई स्थिति क्या होगी, जैसे प्रश्नों आते हैं जो सरलता से हल हो जाते हैं। रैंकिंग और डायरेक्शन की विशेषता यह है कि जहां पे हमारा प्रश्न खत्म होता है वहीं हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें समय कम लगते हैं और सही उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अगला अध्याय है हमारा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में प्रायः हम कहते हैं कि वह हमारे भाई के चाचा के का लड़का है, तो हम आसानी से रिश्ते को जोड़ लेते हैं। रक्त संबंधी प्रश्नों में भी इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं जिन्हें हमें जेंडर और जेनरेशन गैप के आधार पर रिश्तों को जोड़ना होता है और यह बताना होता है कि ए का बी से क्या संबंध है। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। इस अध्याय में बैठने के क्रम को विस्तार से बताया जाता है। कुछ व्यक्तियों की स्थिति दी रहती है और कुछ व्यक्तियों की स्थिति हमें ज्ञात करनी होती है। सिटिंग अरेंजमेंट मुख्यतः दो प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होता है, लीनियर अरेंजमेंट सरल रेखीय व्यवस्था और वृत्तीय व्यवस्था सर्कुलर अरेंजमेंट। इन प्रश्नों में हमें अनुमान लगाना होता है और दिए गए तथ्यों के आधार पर व्यक्तियों को सही स्थान पर अगर हम बैठाते हैं, निश्चित करते हैं, तो इन प्रश्नों को हम सरलता से हल कर लेते हैं। रीजनिंग का दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय है वह है पजल पहेली। पहेली में कुछ तथ्य दिए रहते हैं, कुछ आंकड़े दिए रहते हैं और कुछ अज्ञात तथ्यों को हमें ज्ञात करना होता है इन दिए गए आंकड़ों को आपस में संबंध बनाते हुए। पजल में पांच प्रश्न आते हैं, कुछ परीक्षाओं में पजल से दो या तीन प्रश्न पूछे जाते हैं या सिंगल क्वेश्चन होता है, एक ही प्रश्न होता है। पजल की खासियत यह है कि अगर एक बार हमने अपनी तालिका को, टेबल को कंप्लीट कर लिया है, सभी आंकड़े इकट्ठा कर लिए हैं, व्यवस्थित कर लिए हैं, तो ये पजल के पर आधारित पांच प्रश्न सही सही हल किए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा अध्याय है हमारा न्याय निगमन, साइलॉग। साइलॉग के प्रश्नों को हल करने के लिए वेन आरेख,
50, 100% AEO विधि, ये तीन विधियों से इसके प्रश्नों को हम हल करते हैं, जिनमें सबसे सरल विधि वेन डायग्राम मानी जाती है। वेन डायग्राम से भी हमें सही सही प्रश्न के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, बशर्ते इसमें ध्यान ये रखना होता है कि प्रश्न में कथन में जो तथ्य दिए गए हैं वो कुछ अजीब से लगे, अटपटे से लगते हैं, लेकिन उन्हें सत्य मानकर ही हमें प्रश्नों को हल करना होता है। जैसे इसके कथन दिए होंगे, कुछ लाल पीले हैं, कुछ शेर हिरन हैं, तो प्रश्न के कथन में जो तथ्य दिए गए हैं उन्हें सच मानकर निष्कर्ष निकालना होता है। यह देखना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। साइलॉग के प्रश्न में भी अगर एक बार हम वेन आरेख सही ढंग से बना लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त हो जाते हैं। रीजनिंग की खासियत यह है कि यह हमारे दैनिक जीवन में से संबंधित होने के कारण आसानी से प्रश्नों को हल करते हैं। ये विषय रुचिकर है, अध्ययन में हमें किसी प्रकार की बोरियत नहीं मालूम होती है। थोड़े से प्रयास करने से ही हम प्रश्नों को सही सही ढंग से हल करना सीख जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रीजनिंग की किस लेवल पे कैसे तैयारी की जाए।